फंड की कमी के कारण कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन बारामूला द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को क्लोजिंग होती है और हमें इस बात की खुशी थी कि हमारे भुगतान जारी किए जाएंगे, क्योंकि उन्हें विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि रविवार के दिन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ट्रेजरी खुली रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एलजी प्रशासन ने धोखा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका भुगतान जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि वे अपने परिवार का गुजर बसर कर सके और जिनसे उन्हें सामग्री को उधार लिया है उन्हें भी उनका भुगतान किया जा सके। हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी आर द पार्ट ऑफ दिस, तो हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों? हमारी पेमेंट अगर रिलीज नहीं हुई तो हम किल के घर को जाएंगे, हमारे कर्जदार अंदर बैठे हैं, हमें अफसर शायद करो हमारी पेमेंट। We want justice. हमारी पेमेंट बागुजार करो, 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 हमारी पेमेंट बागुजार करो। इकतीस मार्च हमारी एक एयरली फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है, जबकि हम इस जमन में थे, इस खुशफहमी में थे कि संडे तक हमारी पेमेंटें रिलीज होगी। हमें ट्रेजरी से आश्वासन दिया गया कि आप बेफिक्र रहिए, हम संडे के लिए आपके लिए ट्रेजरी ओपन रख रहे हैं, जबकि हॉलीडे होती है। हमने समझा ठीक है, संडे को ओपन रख रहे, पेमेंट रिलीज होगी, 5 बजे तक होगी, लेकिन 4 बजे तक हमें क्लियर पता चलता है कि ये लूट था, ये जूर था, ये फरेब था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ये धोखाबाजी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट थ्रू, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी थी, नाअहली थी, जो हमें धोखे में तब्दील किया गया। हमने हिस्ट्री में पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री जांच बुजुर्गों से पूछिए, 1947 से ही देख लीजिए, 9000 करोड़ रुपये लैप्स किया जाता है 31 मार्च शाम के अंधेरे में, इसको लैप्स ताकि किसी को कानो कान खबर न चले। अब आने वाले समय में ईद भी है, हमारे पीछे सप्लायर भी है, रेत भी है, सैंड भी है, स्टूनर भी है, पेनलिंग वाला भी है, दुकानदार भी है, हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे हैं जो PhD सिविल इंजीनियरिंग MA BEd करके आए, इस हौसले के साथ कि हम यहाँ अपनी मजदूरी का दिन निकालेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुआ ये कि उनका पैसा भी लैप्स हो गया, वो भी डिप्रेशन में है, वो भी परेशानी में है। हमारे कश्मीर का डिप्रेशन रेशियो देख लीजिए, इस वक्त आसमान छू रहा है, हर एक दवाई खा रहा है, हर एक परेशान है। गुर्बत देखिए, ग्राउंड लेवल पर देखिए, मार्केट होके आइए, सब गुर्बत की परेशान है, कोई खुश नहीं, सब परेशान है। पैसे जैसे गायब हुए, किसी आसमान ने खा लिया या जमीन ने निकल लिया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हम डेवलपमेंट का हिस्सा है, हमने डेवलपमेंट करके दिया, अगर ये गुनाह है तो यही बता दीजिए आपने गुनाह किया। हमने इसको 4 चांद बना दिया, हमने G20 किया, हमने स्मार्ट सिटीज बनाई, हमने ब्रिजेस किए, ड्रेनेज किए, क्लॉक टावर किया, फाउंटेन्स किए, ट्रीप टेंस किए, अगर ये गुनाह है तो बता दीजिए आपने गुनाह किया, तो हम अपने घरों में बैठ के इस गुनाह से दूर रहेंगे। लेकिन हमने इसको इबादत समझ के किया, इसे अपना फ़र्ज़ समझ के किया, लेकिन पता ये चलता है कि हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा। अब इसको बोलते हैं कुछ स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन अगर ये ईद तक चलता रहा तो हमें इस बार ईद के बाद हमसे कोई उम्मीद ना रखे, फिर हमारा एहतजाज ज़ोरदार होगा, फिर कुछ देर की कामों का बाइकाट, और इसके साथ साथ कामों का बाइकाट होगा, टेंडर पार्टिसिपेट का बाइकाट होगा, और ईद के बाद फिर यूँ समझ लिए कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। ये याद रखना, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गुंदम को जला दो। अगर आपके पास स्टेट चलाने की ताकत नहीं, अगर आपको स्टेट नहीं चलती तो इलेक्शन कर लीजिए, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट से अपने मुतालबे मनवा लेंगे, हम इलेक्टेड चुने हुए लोगों से अपनी बात रखवा लेंगे। अगर आपसे ये स्टेट नहीं संभलती, हमारे 6 साल क्यों ज़ाया आपने किए, हमारी सुनो लाइबिलिटी 30 दिन पहले मैंने बिल डाली है, अभी तक वो ऑन डिमांड थी, अब तक रिलीज नहीं, कल सुनने को मिला है वो भी लेप्सिबल हो गया है। अब किसको क्या जवाब दूँ, किस चीज़ को क्या नाम दूँ? ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी, ये नाअहली, कोई अपना दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हम बोले तो बोले किसे, हमारा सिर्फ एक ही हथियार है, हम यहाँ धरने पर पुरमन तरीके से बैठेंगे, और अपने बच्चों को, कल अपने बच्चों को, अपने सप्लायर्स को, अपने हर एक
जुड़े हुए लोगों, इस तिजारत के साथ जुड़े हुए लोगों को इस सड़क पर रख के हम सरापा एहतजाज, रोजे तो है ही, हम ईद तक तो रोजे ही है, फास्टिंग भी है, हम यही बैठेंगे, सूखा गला है, मर भी जाएंगे, किसी को गम नहीं, ना उम्मीद है, हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन कोई उम्मीद नहीं, लेकिन ईद तक हम अल्टीमेट देते हैं, फाइनल ईद तक, उसके बाद क्या होगा वो आप खुद भी देख लेंगे। पहले जो तामीरी सरगर्मियाँ होती थी, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, इसे तहस नहस किया गया, हमें धोखा दे दिया गया, हमने चेक्स इशू किए हैं तमाम सप्लायरों की, दुकानदारों की, सीमेंट का जिसका देना था, बाजरी का जिसका देना था, या किसी भी मटेरियल का, बिल्डिंग मटेरियल्स का जिसका भी पैसा देना था, उनकी हमने चेक के 1 अप्रैल इशू किए हैं। हमें ये उम्मीद थी कि 30 अप्रैल तक हमें ट्रेजरी जो है हमारी पेमेंट जो भी ट्रेजरीज में है वो क्लियर हो जाएगी, ताकि हम वो चेक्स को रिलीज करें, लेकिन बदकिस्मती से हिस्ट्री में पहली बार हमें ये देखना पड़ा कि 31 मार्च को दिन के 4 बजे गवर्नमेंट ऑफ यूटी ने तमाम फंड्स को वापस ले लिया, जो हमारी एक नागानी आफत महसूस हुई कि ये क्या हुआ, ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा। बिजबहाड़ा लैंडिंग स्ट्रिप जिला अनंतनाग में आज विमानों की ट्रायल लैंडिंग और